עם ישראל! सात अक्टूबर के बाद से भले ही इजरायली सेना ने हमास को गाजा में रौन डाला हो, लेकिन अब मुस्लिम सेना के दम पर हमास और हिजबुल्ला मिलकर गाजा में इजरायली सेना को तबाह करने जा रहे हैं। इजरायल की मोसाद और अमेरिका की CIA को एक ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिसने इजरायल के PM बेनियामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को बुरी तरह से चौंका दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गाजा में हमास ने हिजबुल्ला के साथ मिलकर पूरी तैयारी भी कर ली है। हम आपको पूरी खबर डिटेल के साथ आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस वक्त 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इजराइल की IDF आखिर क्या कर रही है। गाजा वॉर जोन से जो सबसे लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, उनके हिसाब से इजराइल की वायुसेना ने अब तक 30,000 के करीब इमारतें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में तबाह कर दी हैं। हमास के लगभग 5,000 ठिकाने भी इजरायली सेना तबाह कर चुकी है। यहां तक कि हमास के टॉप 9 कमांडर भी मारे जा चुके हैं, जबकि 3,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद हमास की हमला करने की क्षमता में कोई खास असर नहीं पड़ा है। खबर आ रही है कि हमास के 25,000 लड़ाके इजराइल के हमलों से बचने के लिए सुरंग में पहुंच चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और काफी हद तक मिस्र अंदर ही अंदर हमास को बेहद मजबूत और ताकतवर करने में जुटा है। इसीलिए बार बार इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि अगर हमने गाजा पट्टी में राहत सामग्री भेजने की अनुमति दी तो फिर हमास रूस और चीन के खुफिया एजेंटों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई तरफ से मोर्चे खोल सकता है। इसीलिए गाजा पट्टी को इजराइल के 1,00,000 सैनिकों ने घेर रखा है। इसीलिए इजराइल के सैकड़ों टैंकों ने गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन इजराइल के साथ अब दिक्कत ये हो गई है कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जिहादी नारे लगाने में जुटा है। ليكن الصوت عاليا البيان قويا الموقف واضحا لا لأرباع الحلول ولا لأنصاف الحلول مع الدم في غزة لا لأرباع الكلمات وأنصاف الكلمات ثقتنا بالمملكة العربية السعودية وبكل الدول العربية والإسلامية المستضافة غدا في جدة ثقتنا عالية हमास, हिजबुल्ला और ईरान को मुस्लिम देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन, जबरदस्त मिसाइल और रॉकेट पावर इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। खुफिया इनपुट में साफ बताया गया है कि हिजबुल्ला हमास की तरह अचानक बड़ा और घातक हमला इजराइल में काफी अंदर घुसकर करने वाला है। इस वक्त इजराइल के खिलाफ एक तरह से मुस्लिमों के 57 देशों में बदला लेने की आग धधक रही है। लेबनान में हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला जिहादी नारों के साथ इजराइल को जहन्नुम में पहुंचा देने का दावा कर रहे हैं। हमले को तैयार 1,00,000 रॉकेट, गाजा में मरेगा इजराइल। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पहुंचकर बाइडेन ने गाजा जंग में और आग भड़का दी है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बाइडेन मुश्किल से 5 घंटे रुके और इस दौरान नेतन्याहू से बातचीत करने के बाद बाइडेन ने साफ कह दिया कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ जो युद्ध कर रहा है वो बिल्कुल सही है।
शायद यही वजह रही कि बाइडन के जाते ही इसराइल ने गाजा पट्टी को हवाई हमलों से दोबारा रौंदना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक मध्य गाजा पर इजरायली फाइटर जेट्स ने 30 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। बाइडन के जाने के बाद से रात भर इजरायली विमानों ने फिलिस्तीन और गाजा लड़ाकों के सफाई के लिए अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अल जजीरा अरबी के मुताबिक कई लोगों को दीर अल बलहा में एक बमबारी वाली इमारत के मलबे में खुदाई करते हुए देखा गया है। वहीं फिलिस्तीन के उत्तरी हिस्से में इजरायली हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खबर ये भी है कि IDF ने जबालिया शरणार्थी शिविर के पास भी हमला किया है, जबकि खान यूनिस में 20 से ज्यादा लोग इजरायली हमले में मारे गए हैं। इजरायली ऑपरेशन ने रामल्ला और अलबिरह शहरों में हमास के सदस्यों की टारगेट किलिंग की है। इसराइल ने 5 दिन पहले तक गाजा में 1,760 टारगेट कर दिए हैं, जबकि अब तक IDF ने गाजा में 8,000 से ज्यादा बम बरसाए हैं। I would warn Hezbollah to look very carefully. I would also warn the leaders of Lebanon to look very carefully how we are dismantling Hamas in the Gaza Strip, leader by leader, terrorist by terrorist, and indeed infrastructure by infrastructure. We will exert a serious price if they continue to threaten and attack Israel. Nevertheless, we are prepared to fight if needs be on two fronts. We have the ability to do so. लंबा युद्ध करेगा इजराइल मुस्लिम सेना से आर पार। इजराइल और हमास में जंग के बीच लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इजराइल की सेना IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्ला से। द यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने इस बात को मान लिया है कि साउथ लेबनान में इसराइल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला के दो लड़ाके भी मारे गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिका लगातार हिजबुल्ला और ईरान को इसराइल की उत्तरी सीमा पर युद्ध शुरू नहीं करने की चेतावनी देता रहा है। बाइडन प्रशासन ने हाल के दिनों में इसराइल को संकेत दिए हैं कि अगर हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करता है तो अमेरिकी सेना हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ जंग शुरू कर देगी। सात अक्टूबर के बाद से इसराइल और हमास के लड़ाकों की जंग बहुत तेज हो चुकी है। गाजा पट्टी के अंदर हमास के लड़ाकों की ओर से बनाई गई वो सुरंगें हैं जिसमें एक तरह से आतंक की पूरी दुनिया बसाई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में 1300 टनल के जरिए 500 किलोमीटर के इलाके में सुरंग युद्ध की तैयारी की गई है। एक अनुमान के मुताबिक हमास ने 1300 वॉर टनल बनाने के लिए तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च किए हैं। झुकेगा नहीं हमास, लड़ता रहेगा हिजबुल्ला। इजराइल भी जानता है कि हमास के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इजराइल को अमेरिका पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसीलिए अमेरिका के 11,000 सैनिक इजराइल पहुंचने वाले हैं। खबर है बाइडन ने नेतन्याहू को इशारा कर दिया है कि हमास के सफाई में अमेरिका इजराइल का पूरा साथ देगा, लेकिन सवाल उठता है कि सुरंग में बैठे हमास के लड़ाकों को इसराइल क्या अकेले अपने दम पर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर पाएगा